आप सभी को ज्ञात होगा कि हम सब में जो इंडिया अलायंस बनाया था चंडीगढ़ के अंदर, खास तौर पर जो हमारा आपस के अंदर अलायंस बना था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, उससे सबसे पहले मकसद था मेयरल चुनाव। और उसके अंदर आपने देखा कि हमने पूरी लड़ाई लड़ी और 30 तारीख को अगर चुनाव के रिजल्ट हो जाते तो तीनों पोस्ट हम मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की जीतते। खैर, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेयर बनकर आना चंडीगढ़ के इतिहास में, मैं समझता हूँ पूरे देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि कुलदीप जी मेयर बनकर आए। उसके बाद मकसद जो हमारा था शुरू से यही था कि चंडीगढ़ के लोगों की भलाई की जाए, उनके लिए अच्छा काम किया जाए, उनके लिए अच्छे एजेंडाज लेके आए जाए। तो इंडिया अलायंस की कल एक प्री हाउस मीटिंग भी हुई थी और उससे पहले भी हमारी पार्टीज के विभिन्न मुद्दे थे, जैसे आम आदमी पार्टी फ्री पानी का इनका मुद्दा था, हमारा फ्री पार्किंग का मुद्दा था। तो हमने जब एक अलायंस बना लिया तो हमने आपस में फैसला किया कि क्यों ना अब समय आ गया कि उन मुद्दों को सही रूप में क्रियान्वित करने का, कि उनको सही शेप देने का, सही पोजीशन पे लाके उनको पास करने का। उस फैसले को इम्प्लीमेंट करते हुए आज हाउस की मीटिंग हुई और हाउस की मीटिंग में सुबह से ही आप देख सकते थे किस तरह से बीजेपी डिसरप्ट करने की पूरी प्रोसीडिंग को कोशिश कर रही थी। आज भी वो एक चुनाव चलना चाहते हैं, एक छोटा सा एफएनसीसी का चुनाव। मेयर को हम छोटा चुनाव कह रहे थे, एफएनसीसी का तो सोचिए कितना छोटा चुनाव है। उस चुनाव को भी टालने के लिए उन्होंने कितनी कोशिश की, 2 घंटे हाउस को भटकाते रहे, अफसरों की बात नहीं सुन रहे थे, किस तरीके से फिर गुंडागर्दी का माहौल बना रखा था वहाँ पूरा सदन के अंदर। और उसके बाद भी जब सफल नहीं हुए और मजबूरी में एंड में उनको अपना एक हार दिखी, जब तो हार जैसे कहते हैं ना बर्दाश्त नहीं होती, आज तो टिक लगा नहीं सकते थे क्योंकि जो सीट पर बैठे हुए थे वो एक ईमानदार व्यक्ति बैठे हुए थे जिन्होंने जब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी हुआ उसमें पूरी ईमानदारी दिखाई और हमारी एक वोट को इनवैलिड डिक्लेयर किया, इससे बड़ी ईमानदारी क्या हो सकती है। हालांकि छोटा सा इंप्रेशन था, इग्नोर कर सकते थे, पर नहीं, सच्चाई पे खड़े रहे और आज भी उसी सच्चाई पे खड़े रहे और उनको घुटने टेकने पड़े, उनको पीठ दिखानी पड़ी और उनके कैंडिडेट को विड्रॉ करना पड़ा और हमारे 3 कैंडिडेट जो है इंडिया अलायंस के वो चुनाव जीते। और ये बड़ी जीत, एक फिर बड़ी जीत चंडीगढ़ के अंदर हुई है मेयर के चुनाव के बाद। और उससे बड़ी जीत आज जनता की हुई है जब इतने बड़े 2 एजेंडास, 20,000 लीटर फ्री पानी और फ्री पार्किंग 2-व्हीलर्स 3-व्हीलर्स 4-व्हीलर्स सभी के लिए। और पहले वाले मेयर साहब ने क्या किया था कि जो बाहर से व्हीकल आएंगे उन्हें डबल पार्किंग फीस लगेगी। फर्क देख सकते हो आप उनकी सोच में और हमारी सोच में, उनके इलेक्शन कंडक्ट कराने के तरीके में और हमारे इलेक्शन कंडक्ट कराने के तरीके में, उनकी बदनीयति और हमारी नेक नीयति में, उनकी बेईमानी और हमारी ईमानदारी में, ये सारी चीजें आपके समक्ष हैं। तो मैं आज चंडीगढ़ की जनता को जहां बधाई देना चाहता हूं कि ऐतिहासिक फैसला मेयर और हमारे दोनों इंडिया ब्लॉक के पार्टनर्स, कांग्रेस के काउंसलर्स और आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स ने जो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है उनके लिए बधाई के पात्र है।